बचपन से टीवी पर एड देखा होगा, देश का नमक टाटा नमक, या बात हो टाइटन की घड़ी की, सड़क पर दौड़ती टाटा की गाड़ियों की, या पीनी हो स्टारबक्स की कॉफी। दिन भर में हम टाटा कंपनी के कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेस यूज करते हैं। अब ऐसे में बीती रात जब टाटा कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई तो देश को एक बड़ा झटका लगा। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। ऐसे में टाटा नगर के लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, आइए आपको दिखाते हैं। अभी घड़ी में 12:30 बजे अभी से ठीक आधे घंटे पहले एक खबर आई थी कि हमारे रतन टाटा जी नहीं रहे। ये सुनते ही लोगों के बीच मायूसी का छा गया है। चलिए लोगों से बात करके जाने, अभी पता चला हमारे थोड़ी देर पहले हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे, कैसा क्या रिएक्शन है? दो दिन पहले ट्विटर पे देखा पूरा जंगल जैसा था, पीछे चलते बहुत सुंदर, इतना अच्छा बन गया कि उसी की तरह लगता है, उन्हीं के बदौलत, वो खुशी है उन्हीं के बदौलत, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी चीज ये हुई, एक जो टाटा जी का बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था जो एनी शर्तों को वापस आना, दूसरा उन्होंने एक ऐसी कंपनी ले ली जो पहले कहता था कि टाटा की गाड़ियां नहीं चलेंगी, उसी कंपनी का हम लोग ने किया वह लैंड हो गया। ये दोनों बड़ी चीजें इनके नेतृत्व हमारे काफी दोस्तों ने जो टाटा के साथ नहीं जुड़े उन्होंने भी उनके बारे में दुख जताया है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये जो दुख रहेगा इस देश के लिए, इस देश के लिए और इस शहर के लिए परिवर्तन क्या है, ये शहर का सिद्धगोड़ा दुर्गा पंडाल है जहां स्क्रीन पर रात में रतन टाटा की तस्वीर लगाई गई और जमशेदपुर निवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोहनगरी जमशेदपुर के साथ साथ देश भर में शोक की लहर है। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।